मेष मेष राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा। आपके मन में किसी भी तरह का डर या कोई संकोच है तो इसे कम से कम इस सप्ताह अपने से दूर रखें। इन 7 दिनों में मेष राशि वाले लोग बदलाव के लिए तैयार रहे। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आप या तो नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या इसी नौकरी में वेतन वृद्धि की मांग कर सकते हैं। दूसरे के मन की बात जानने से लेकर कई तरह की बातों को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी। ऑफिस में साथ काम करने वालों से लेकर अधिकारियों तक कुछ लोगों से अपने करियर को लेकर बातचीत हो सकती है। योजनाएं धीमी गति से पूरी होगी। अचानक यात्राओं का योग बन रहा है। नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। नौकरी धंधे में प्रगति हो सकती है। इन दिनों में आपकी लव लाइफ पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। करियर मेष राशि के स्टूडेंट्स इंटरव्यू में थोड़ा तनावग्रस्त और परेशान हो सकते हैं, लेकिन किस्मत का साथ मिलेगा और सफल हो जाएंगे। प्रोफेशन लाइफ के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। हेल्थ सुस्ती दूर होगी, ताजगी महसूस होगी और नए काम करने की ऊर्जा मिल सकती है। इन 7 दिनों में आपके कामकाज में अचानक बदलाव हो सकते हैं। संभल कर रहे। शनि और राहु केतु के कारण चंद्रमा पीड़ित होने से तनाव बढ़ सकता है। काम में मन नहीं लगेगा। कुछ जरूरी काम भी समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। अपने राज किसी से शेयर ना करें। सप्ताह के शुरुआती दिन दौड़ भाग और परेशानी वाले हो सकते हैं। सप्ताह के बीच में कोई बड़ा फैसला ना करें तो ही अच्छा है। व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी तरह के नए प्रयोग ना करें। इस सप्ताह मेहनत ज्यादा हो सकती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिहाज से समय ठीक ठाक है। आसपास के लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे। किसी तरह के सामाजिक कामकाज में भी आप शामिल हो सकते हैं। आज आप व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह लव लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जो आपके लिए यादगार रहेगा। प्यार बना रहेगा। करियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह जॉब और बिजनेस में आपको संभल कर रहना होगा। हेल्थ दौड़ धूप करने से थकान महसूस हो सकती है। सावधान रहे। मिथुन सप्ताह के शुरुआती दिनों में रोजमर्रा के काम पूरे हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय ठीक है। इस सप्ताह कुछ नए बदलावों के लिए आपको तैयार होना होगा। सप्ताह के बीच में गोचर कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा होने से आप अपने पिछले किसी अनुभव को लेकर परेशान हो सकते हैं। इस समय आप पैसों से जुड़ा कोई जोखिम न ले। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो उलझ सकते हैं। नए काम शुरू करने में सावधानी रखनी होगी। सेहत के मामलों में संभल कर रहे। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में गोचर कुंडली का चंद्रमा भाग्य भाव में रहेगा। हो सकता है कोई दोस्त आपके लिए ऐसा काम कर सकता है जिसका फायदा भी आपको मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर की भावनाओं को समझें और संयम से रहे। वाणी पर नियंत्रण रखें। करियर मिथुन राशि के स्टूडेंट्स इस सप्ताह अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं। इन दिनों में अचानक बदलाव के योग हैं। हेल्थ मानसिक परेशानियां, तनाव और टेंशन से नींद की कमी हो सकती है। कर्क के सप्ताह कर्क राशि वालों को सेहत संबंधित परेशानियां रहेंगी। धन लाभ के साथ खर्चा भी बढ़ सकता है। अपने खास काम के लिए किसी व्यक्ति से मदद लेनी पड़ेगी और आपके काम आखिरी वक्त पर पूरे भी हो जाएंगे। संचार के साधनों में, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दूसरों का साथ मिलेगा। बिजनेस में फायदा हो सकता है। बड़े लोगों से मुलाकात के योग है। उनसे भी फायदा मिलेगा। उन कामों में सफलता मिलेगी जो अभी तक कठिन लग रहे थे। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको धन लाभ होने के योग हैं और आप अपने काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं। बड़े फैसलों को टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 7 दिनों में आपका पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर आपसे रूठ सकता है। रूठ नाम नाना चलता रहेगा। करियर स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिलेगी।
आपको धन लाभ हो सकता है। बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले इन दिनों में लेने हैं तो ले सकते हैं। इर्थये सप्ताह सेहत के मामले में उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। पुराना रोग खत्म होगा तो नया शुरू भी हो सकता है। सिंह, इन दिनों में आप जॉब और बिजनेस में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको कुछ अनचाहे काम भी करने पड़ सकते हैं। साथ काम करने वालों या किसी दोस्त से विवाद हो सकता है। इस हफ्ते सोचे हुए काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जरूरी मामलों में कन्फ्यूजन बना रहेगा। किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह काम आ सकती है। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी भूमिका बढ़ेगी। इन दिनों में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस सप्ताह आपकी कोई राज की बात भी उजागर होने की संभावना है। अचानक यात्राओं का योग बन रहा है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है। सप्ताह के आखिरी दिनों में तनाव भी बढ़ सकता है। किस्मत के भरोसे आप कोई भी काम ना करें तो अच्छा रहेगा। इन दिनों में पार्टनर आपसे कुछ खास चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। आप पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे और प्यार भी बढ़ा हुआ रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स और भाग के कारण परेशान हो सकते हैं। इन दिनों में आपके कांटेक्ट और मजबूत हो सकते हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं। हेल्थ मुंह और दांतों के पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में चोट भी लग सकती है। कन्या, इस हफ्ते तनाव बढ़ सकता है। अचानक बदलाव के लिए तैयार रहे। जॉब और बिजनेस में कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। पुरानी परेशानियां सामने आ सकती है। खर्चा बढ़ने के योग है। अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है। नौकरी बदलने का विचार दिमाग से निकाल दे। इस सप्ताह कुछ नया काम भी शुरू ना करें। इंतजार करने वाला समय है। नकारात्मक विचारों से बचे। इन दिनों में कोई खास मामला भी उलझ सकता है जिसे लेकर तनाव बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। कुछ अनचाहे फैसले भी इन दिनों में आपको लेने पड़ सकते हैं। लव अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में कुछ खट्टे मीठे अनुभव देने वाला रहेगा। क्लियर इस राशि के सभी क्षेत्रों के स्टूडेंट सावधान रहे। महत्वपूर्ण दस्तावेज या कागज को लेकर आपको सावधान रहना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी रखें। लेखन संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। हेल्थ पेट के रोग हो सकते हैं। इस सप्ताह कन्या राशि वाले लोग सावधान रहें। तुला, आपके लिए ये सप्ताह फायदेमंद रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इन दिनों में आप दूसरों के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। दूर स्थान से आपको फायदा हो सकता है। पुराने निवेश से भी फायदा होने के योग है। दूर स्थानों पर रहने वाले लोगों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आप सही दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। सप्ताह के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों में बातचीत, विचारों की अभिव्यक्ति और लोगों से संपर्कों में तेजी आ सकती है। आप नए लोगों से मिलेंगे। नए स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश इन दिनों में कर सकते हैं। आखिरी दिनों में पैसों से जुड़े फायदे हो सकते हैं। लव इस सप्ताह आपने पार्टनर से राय ले, फायदा हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट सेहत का ध्यान रखें। आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सोच समझ कर लिए गए फैसले आपको बड़ा फायदा भी दे सकते हैं। हेल्थ तुला राशि वालों को खराब पानी से होने वाले रोग परेशान कर सकते हैं। सावधान रहे। वृश्चिक, सप्ताह की शुरुआत में सेविंग बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आप बिल्कुल व्यावहारिक रहेंगे। अपने से बड़े लोगों का समर्थन मिल सकता है। प्रबंधन के क्षेत्र में आप सबको मात दे सकते हैं।
नए आइडिए आपको आगे बढ़ा सकते हैं, नए बिजनेस का मौका मिलेगा, आपका सकारात्मक व्यवहार लोगों को आपके पक्ष में लाएगा और हर काम के लिए एक उत्साह भी पैदा करेगा। इन दिनों में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। इन दिनों में आप अपने मन में आने वाली नकारात्मकता का डटकर मुकाबला करेंगे। सितारे आपको परेशानियों के बावजूद सफलता दिलवाएंगे। आपके जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। निजी संबंधों में परेशानियां भी खत्म होने के योग हैं। दूसरों से तारीफ मिल सकती है। किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। वह इस सप्ताह पार्टनर के सामने संयम से रहे, मुंह ना खोले। आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। करियर वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। इन दिनों में सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप परेशान भी हो सकते हैं। हेल्थ सेहत में गिरावट भी महसूस होगी। नींद की कमी और थकान से भी परेशान रहेंगे। धनु, इन दिनों में आप अचानक बदलाव के लिए तैयार रहे, यह आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। जॉब और बिजनेस में अचानक कुछ नया करना पड़ सकता है। इन दिनों में सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर टेंशन हो सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। इन दिनों में आप किसी घड़ी उलझन में भी फंस सकते हैं। ज्यादा सवाल जवाब ना करें, जो भी बोलें पूरे अध्ययन और विचार के बाद बोलें। आप पर कुछ बड़े कामों की जिम्मेदारियां भी आ सकती है। रोजमर्रा के कामों में कुछ रुकावटें आ सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी भी महसूस हो सकती है। साझेदारी संबंधी घटनाक्रम भी इन दिनों में बन सकता है। लगातार कोशिश करने से आपके काम पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर टेंशन हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, पार्टनर को आपकी जरूरत रहेगी। क्लियर धनु राशि के स्टूडेंट्स इन दिनों में परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह हर काम सावधानी से करें। आपको बड़ा फैसला तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप समय पर काम ना कर पाने से परेशान हो सकते हैं। लगातार काम करने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हो सकते हैं। मकर, इस हफ्ते हो सकता है जॉब और बिजनेस को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 12वें भाव से पराक्रम भाव तक जाएगा। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते अचानक कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे। इस हफ्ते बहुत से काम बिना योजनाओं के ही करने पड़ेंगे। आपको योजनाएं बनाने का समय नहीं मिल पाएगा। जल्दबाजी में आप खुद के लिए कुछ गलत भी कर सकते हैं। आपको संभल कर रहना होगा। कामकाज में मेहनत ज्यादा हो सकती है। मानसिक उथल पुथल हो भी रहेगी। इस सप्ताह कामकाज से जुड़ी कुछ उलझने भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आप समय रहते उन्हें निपटा लेंगे। दुनियादारी के चक्कर में पड़ने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। पुराने दुश्मन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए ये 7 दिन ठीक रहेंगे। लव पार्टनर से मदद मिल सकती है। ये 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई काम ना करें। इन दिनों में खर्चा बढ़ सकता है। शेयर बाजार से जुड़े मामलों में रिस्क ना लें। कोई छोटी मोटी चोट या दुर्घटना भी होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहना होगा। भोजन संबंधित सावधानियां भी रखनी जरूरी है। कुंभ, इन दिनों में सितारों का बदलाव आपकी निजी जिंदगी में धन संबंधित नए बदलाव देने कर सकता है। इस सप्ताह चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव से शुरू होगा और धन भाव तक जाएगा। इन दिनों में कोई पुराना निवेश आपको फायदा दे सकता है। रोजमर्रा के कामकाज को लेकर भ्रम की स्थिति रहेगी। आप सिर्फ अपने काम से काम रखें। इन दिनों में आप नए कामों की प्लानिंग में लगे रहेंगे। इन दिनों में जॉब या बिजनेस में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है और आप उससे निपटने के लिए कुछ हद तक सफल भी रहेंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी खास काम के लिए आपको पहल करनी होगी। आपको अपनी बात खुलकर रखनी होगी।
सावधान रहे, दोस्तों या भाइयों से जाने अनजाने में आपका नुकसान हो सकता है। नई योजनाओं में निवेश शुद्ध रहेगा, जोखिम से बचना होगा, संतान की ओर से अनुकूलता रहेगी, लव पार्टनर से प्रेम संबंध और मजबूत बनेंगे। कुंभ राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए समय अच्छा बीतेगा। क्लियर स्टूडेंट्स को परीक्षा में आसानी से सफलता मिलेगी। रोजमर्रा के कामों में धन लाभ होने के योग बनेंगे। हेल्थ, शारीरिक रोगों के कारण परेशानियां हो सकती है, सावधान रहे, तनाव से भी परेशान हो सकते हैं। मीन सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए अच्छी रहेगी और सप्ताह के बीच का समय भी आपके लिए शुद्ध रहेगा। इस सप्ताह नौकरी खोजने में पूरा ध्यान दें, अपने संपर्कों से बात करें, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग तो है, लेकिन विरोधी परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह आप सटीक और प्रभावी फैसले ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपने लक्ष्य के पास पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी घबराहट बढ़ सकती है। इन दिनों में आप कोई खास काम भी हाथ में ले सकते हैं। दूसरों की मदद से कोई बड़ा काम भी पूरा हो सकता है, लेकिन इन दिनों में लंबा चलने वाला कोई काम शुरू ना करें। यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के कुछ मामले आप पर हावी हो सकते हैं। अपने आप को साबित करने के कई मौके भी इन दिनों में मिल सकते हैं। दुश्मनों से डर बना रहेगा, पैसों के लेन देन में सावधान रहना होगा, धन हानि की संभावना है। माता के लिए समय ठीक नहीं है। लव पार्टनर से चल रहा पुराना विवाद खत्म होने के योग है, नए फैसले लेने पड़ सकते हैं। करियर कामर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे, दुश्मनों से सावधान रहेंगे। हेल्थ, इस राशि वालों को कोई मौसमी रोग भी परेशान कर सकता है, सावधान रहे। Thank you.